हाय, ये अपडेट आया है एमसीसी वेबसाइट के ऊपर और वो यही है कि मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो कि कांचीपुरम में 20 साल पुरानी डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें क्लिनिकल पीजी भी है, उसको 2023 में एमबीबीएस एडमिशन लेने से रोक दिया गया है। सो मैंने जाऊँ से पहले वो दो लाइनें बोली कि 20 साल पुराना है, क्लिनिकल पीजी है और फिर भी उसकी रिकॉग्निशन फ़िलहाल स्टॉप कर दी गई है। और देखिए, 1 करोड़ के बजट में अगर आप पिछले साल की कट ऑफ भी देखेंगे ना, तो द कट ऑफ वॉज 90 100, मतलब 100 नंबर पे ये कॉलेज आपको लास्ट ईयर मिला था, मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज। तो ऐसा क्यों होता है? और मैं आपको वही बार बार कहता हूँ कि जस्ट बिकॉज कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जस्ट बिकॉज कोई 20 साल पुराना है, जस्ट बिकॉज वहाँ पर क्लिनिकल पीजी होती है, पीजी भी नहीं क्लिनिकल पीजी, तो कॉलेज अच्छा नहीं हो जाता, क्योंकि ये सब मैनेज हो जाता है। लेकिन जो चीज़ मैनेज नहीं होती वो होती है असली सच्ची क्वालिटी। जो मैनेज नहीं होती वो है पेशेंट का जेन्युइन फ्लो, जो मैनेज नहीं होता वो होता है जेन्युइन व्यू। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस कॉलेज का हॉस्पिटल चलता हुआ नहीं है, जिस कॉलेज के हॉस्पिटल के पास जेन्युइन रेवेन्यू नहीं आ रहा, सिर्फ मेडिकल कॉलेज की फ़ीस लेके आप सर्वाइव कर नहीं सकते। आप एज ए पेरेंट को लगता है कि 15-18 लाख रुपए साल की जो फीस भरते हैं बहुत ज़्यादा फीस होती है। लास्ट ईयर राउंड टू में मीनाक्षी मेडिकल 93 नंबर पे मिला था, मतलब 10 लाख रैंक पे भी मीनाक्षी मेडिकल मिला था, आप समझ सकते हो 10 लाख रैंक, मतलब कैटेगरी क्वालिफाइड को भी मिला था आराम से राउंड टू में ही। क्योंकि और ये भी नहीं बहुत ज़्यादा फीस है, 20 लाख फीस है टोटल पैकेज हॉस्टल मिला के 1 करोड़ का पड़ता है। क्योंकि लोगों को पता है, जो साउथ में रहते हैं उनको मालूम है कि मीनाक्षी मेडिकल क्या है, लेकिन हम दिल्ली वाले यहाँ वाले फिर भी सोच लेते हैं कि एडमिशन ले लेंगे। और सिर्फ मीनाक्षी मेडिकल नहीं, ऐसे ही बहुत धुरंधर कॉलेज हैं पूरे इंडिया में, डीम्ड के अंदर भी, स्टेट्स के अंदर भी, जो आपको अवॉइड करने हैं। मैं रिपीट कर दूँ, जो मीनाक्षी मेडिकल में भी 2022 में पढ़ रहा है, 2021 में पढ़ रहा है, उनका बैच क्लियर किया जाएगा, बैच नहीं रोका जाएगा। बट आप कॉलेज के मैनेजमेंट की तरफ से सोचिए ना, उनको पूरा कॉलेज चलाना है, वैसे भी उनका अस्पताल का रेवेन्यू जीरो है, जो मैंने आपने मेरा लास्ट वीडियो पर सुना हो रिगार्डिंग द रेवेन्यू ऑफ हॉस्पिटल्स। और अब एक सोने पे सुहागा हो गया कि 2023 में उनको फीसें भी नहीं मिलेंगी नए बच्चों की। तो वो जो पूरा कॉलेज का खर्चा है, वो जो सारी फैकल्टीज़ की सैलरी हैं, वो कैसे निकालेंगे? बेसिकली जो 5 साल के बच्चों की फ़ीस आ रही थी, अब 4 साल के बच्चों की आएगी, राइट? अगर ये 2023 में, तो फिर जो वो काम हो रहा था उससे भी गड़बड़ होगा। विजिटिंग के तौर पे क्लासेस लेने के लिए खाली फैकल्टी बुलाई जाएगी, एनएमसी की इंस्पेक्शन के दौरान में बुलाए जाएंगे प्रोफेसर्स, जो असली में उनके यहाँ फुल टाइम काम नहीं कर रहे होंगे। और ये सब लोग जब सिस्टम होगा तो क्या आपका बच्चा पढ़ेगा? सबसे बड़ी बात मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए आज तक, और मैं खुल के बोलता हूँ, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का फ़ायदा ये था, लाइक मीनाक्षी जैसे जो आज भी चल रहे थे, या वही यू नो तमिलनाडु के और जो 2-3 धुरंधर कॉलेज थे, चाहे वो भारत मेडिकल कॉलेज था, चाहे वो वेल्स मेडिकल कॉलेज था, चाहे वो श्री सत्या मेडिकल कॉलेज था, ये चारों मैं हमेशा कहता हूँ ना, तमिलनाडु के महान कॉलेज हैं। और सिमिलरली पौंडीचेरी के महान कॉलेज, चाहे वो लक्ष्मी नारायण हो गए, चाहे वो आरुपड़ई हो गए, ये सब कॉलेज के पढ़े बच्चे पास हो जाते थे, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ खुद पढ़ाती थी, खुद पास करती थी। लेकिन नेक्स्ट कैसे पास होगा? तो अभी भी 2023 की काउंसलिंग स्टार्ट ही हुई है। सोच समझ के कॉलेज का चयन कीजिए। किसी भी कॉलेज में डिग्री लेने के जाने के दिन लद गए हैं, स्पेशली इंडिया में। और मैं आज बोल सकता हूँ कि मीनाक्षी मेडिकल, भारत मेडिकल, वेल्स मेडिकल से जाने से अच्छा है कि आप शायद विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, जो भी कंट्री हैं जो एनएमसी की गाइडलाइंस को फुलफ़िल कर रही हैं, और वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ोगे, वो इन कॉलेजेस से आपको फार बेटर पढ़ाएंगे। या इंडिया में अच्छे कॉलेजेस लीजिए, इंडिया में अच्छे कॉलेज लेना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, बेस्ट अच्छा कॉलेज चाहिए तो हमें संपर्क कीजिए 9643362320। फर्स्ट कॉल 2500 रुपये की, 5000 की फ़ेस टू फेस मीटिंग। और उस कॉल में अगर आप MBBS अब्रॉड के लिए हैं तो अलग तरीके से हम आगे चलते हैं, MBBS इंडिया के लिए हैं तो अलग तरीके से हम आगे चलते हैं। बट अभी भी समय है, मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज के एग्जाम्पल से सबक लीजिए और सोच समझ के अपना कॉलेज चूज़ कीजिए,
बगल में पड़ता है, डीम्ड है, 20 साल पुराना है, क्लिनिकल पीजी है, ये सब फार्मूले काम नहीं आते। अच्छा कॉलेज जो आपको पर्सनल फीडबैक मिले, मैं भी नहीं कहता कि मैं हिंदुस्तान के सब कॉलेजेस को जानता हूँ, बट मोटा मोटी एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया के, वेस्ट इंडिया के तो आधे से ज़्यादा कॉलेजेस मैंने खुद विजिट किया है, एटलीस्ट हिमाचल, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और मेजोरिटी डीम्ड में अदर देन वही तमिलनाडु और पौंडीचेरी की। वही हम आपको सही गाइडेंस दे पाते हैं, वही आपको सही गाइडेंस देते हैं, और उसी चीज़ के हमारे चार्जेस होते हैं, सिर्फ फॉर्म फिलिंग करने के और ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप पे अपडेट देने के नहीं। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, और मीनाक्षी जैसे कॉलेज से बचिए, यही मेरी आपको सलाह है, स्पेशली जब नेक्स्ट आ चुका है।